और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोज तिवारी को टक्कर कन्हैया कुमार दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस कन्हैया को उम्मीदवार बना सकती है। तो थोड़ी देर में कांग्रेस सीसी की बैठक में इस पर मुहर भी लग जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तीसरी बार बीजेपी ने मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया है और मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार हो सकते हैं और कांग्रेस उन्हें वहां से टिकट दे सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो कांग्रेस यहां से उम्मीदवार कन्हैया को बना सकती है और थोड़ी ही देर में कांग्रेस सीसी की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इससे पहले कन्हैया कुमार की अगर बात करें तो बेगूसराय सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और गिरिराज सिंह बीजेपी से उम्मीदवार बेगूसराय से थे और करारी हार मिली थी कन्हैया को। शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर है। शिवम, बेगूसराय छोड़ करके अब जो मनोज तिवारी है उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से, उस पर अब क्या ताल ठोकेंगे कन्हैया कुमार? क्या खबर कांग्रेस खेमे से? देखिए, इस तरीके की खबरें काफी लंबे समय से चलती रही हैं, लेकिन अभी तक सूत्र ये दावा कर रहे थे कि दिल्ली की स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम भेजे थे उसमें कन्हैया कुमार का नाम नहीं था, लेकिन अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां से मनोज तिवारी बीजेपी के दो बार से सांसद है उनके सामने कन्हैया कुमार को उतारने की कांग्रेस रणनीति बना रही है। इस सीट पर कई और नाम, कांग्रेस ने कई नामों पर चर्चा की थी जिसमें से एक नाम नेहा सिंह राठौर बीच में जो लोक गायिका है बिहार की उनका भी खूब उछला था, लेकिन अब न्यूज 18 को कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने यह दावा किया है कि कन्हैया कुमार के नाम को लेकर भी आज कांग्रेस की जो सीसी होने जा रही है दिल्ली को लेकर उसमें चर्चा होगी और सूत्र इस बात का पुख्ता तस्दीक कर रहे हैं कि आज कन्हैया कुमार के नाम पर फाइनल मोहर लग सकती है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि मनोज तिवारी की पिछले दो बार से जो जीत हुई है बड़े मार्जिन से हुई है, स्टार चेहरे हैं, ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के अभी जो उस सीट से नाम चल रहे थे उन्हें कांग्रेस के मानती है कि वो शायद सफल ना हो जिस तरीके की मनोज तिवारी की लोकप्रियता है। ऐसे में कन्हैया कुमार न सिर्फ युवा नेता है, उनकी बड़े पैमाने पर लोकप्रियता है, बल्कि NSUI के इंचार्ज है, एक युवा चेहरे माने जाते हैं। इसी आधार पर उनके टिकट को लेकर आज चर्चा हो रही है और उत्तर पूर्वी दिल्ली से उनके नाम को पैनल में शामिल किया गया है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज की सीसी में उनके नाम पर मोहर लग सकती है। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, कांग्रेस सीसी की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, तो कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में टक्कर देते नजर आ सकते हैं और आज थोड़ी देर में तस्वीर जो है वो सीसी की बैठक के बाद से साफ हो जाएगी।